हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमेशा आया करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति क्या है? वीटो, ये जो वीटो वर्ड है इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और स्टेट सर्विसेज परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए। चलो हम जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय है ये सुरक्षा परिषद, जिसको हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इनमें से कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 मेंबर्स, जिसमें 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं, परमानेंट, एंड जो 10 मेंबर होते हैं इनको महासभा दो दो वर्षों के लिए नियुक्त करती है, चुनती है। इनमें से जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना। तो स्थायी सदस्य ये हैं और जो अस्थायी सदस्य रहते हैं उनको महासभा दो दो वर्षों के लिए चुनाव करती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो 5 स्थायी सदस्य हैं जो कौन कौन से हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, ब्रिटेन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य। अब हम देखते हैं कि वीटो शक्ति का क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 27 के तहत सुरक्षा परिषद में विचार के लिए लाए गए किसी विषय की स्वीकृति हेतु किन्हीं 9 सदस्यों की स्वीकारात्मक सहमति मतों के साथ ही 5 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, आवश्यक होती है। यदि स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी अपनी असहमति प्रकट करता है तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। किसी प्रस्ताव को स्थायी सदस्य देशों द्वारा सुरक्षा परिषद में पारित होने से रोकना अर्थात उनके विरोध में इलेक्शन या मत देना ही वीटो शक्ति का प्रयोग कहलाता है। किंतु इसमें कुछ ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है, यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं कि अगर जो जब इलेक्शन हो रहा होता है कोई सदस्य 5 स्थायी सदस्यों में से कोई अगर जो असहमति प्रदान करता है अगर जो तो उसको वीटो कहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन के टाइम पे कोई परमानेंट मेंबर वो अनुपस्थित अब्सेंट रहता है तो उसको वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं माना जाता। तो अभी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए जो गठित संयुक्त राष्ट्र संघ में है तो विश्व के तथाकथित शक्तिशाली जो देश हैं तो वीटो शक्ति के दुरुपयोग का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो ये शक्तिशाली देश हैं, परमानेंट देश हैं, ये छोटे देशों को बराबरी नहीं करने देता, ऐसा उनका मानना है। तो वीटो अंतर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना करते हुए बड़ी शक्तियों की निरंकुशता को बढ़ावा देता है, इसलिए उनको करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि वीटो अभी तक कितना बार और सबसे ज़्यादा कौन यूज कर चुका था। सबसे ज़्यादा टाइम्स वीटो शक्ति का, वीटो पावर का यूज रसिया ने किया है 106 बार, फिर इसके बाद अमेरिका ने किया है, यूएस ने किया है 79, एंड फिर यूके, फ्रांस, सॉरी ब्रिटेन 29, फ्रांस 16 बार और चाइना 11 बार इसका वीटो शक्ति का यूज कर चुका है फ्रॉम 1946 टिल डेट, मतलब फ्रॉम 2018 तक। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसी बताना आपका वीडियो कैसा है कमेंट्स करना। तब तक के लिए गुड बाय।